हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं, आज का हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये CBSE आपकी क्लास टेंथ का सिलेबस और सोशल साइंस की हिस्ट्री बुक जो कि NCERT को बिलोंग करती है, उसका थर्ड चैप्टर है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर देखने में आपको बहुत ही लेंथी और बहुत ही टफ लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसे आज डिस्कस करेंगे और इसमें पूरा क्लासीफाई करेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। और ये बिल्कुल भी, यकीन मानिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप बस मुझे फॉलो करते रहिए और हम आपके लिए ये चैप्टर को इजी बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आप अगर इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। पर ये टॉपिक्स देख के आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स है और हम इसको आज ही इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हम यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बेहिचक जो है कमेंट करके अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है तो हम वो भी आपको इस वीडियो में बताते जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कोई मीनिंग हमसे बच जाता है तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये सारे टर्म्स जिसने पहले कभी नहीं सुने हैं उसको बहुत ही ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, पर नहीं है ऐसा कुछ। हम देखते हैं आगे चैप्टर में क्या लिखा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा रोल था ब्रिटेन के पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में। और क्योंकि हमारा इंडिया भी एक कॉलोनी था 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटेन का, इसलिए इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे वर्ल्ड पे भी बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। जैसा कि आप सबको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1914 में, वो 4 साल चली थी इन द ईयर 1918 में तक। जिसको नहीं पता हो उसके लिए हम तो ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जो भी था, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटेन पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गया था। उसकी काफ़ी सारी चीज़ें रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो चुका था, कैपिटल डिस्ट्रॉय हो चुका था, और उसको रिकवर करने के लिए उसने अपने कॉलोनीज़ की तरह देखा, जिसमें से हमारा एक कंट्री भी उसकी एक कॉलोनी था। और जाहिर सी बात है तो हमारे ऊपर भी इसका पूरा का पूरा असर पड़ा। तो अपने वॉर के एक्सपेंडिचर को, या यूँ कह सकते हैं कि वॉर में ब्रिटेन को जो भी नुकसान हुआ उसको कवर अप करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, इसने कई पॉइंट्स में चीज़ों को इंडिया पे इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है कि पहली चीज़ जो कि ब्रिटेन ने की है वो था अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इसने भारत में रेगुलर जो है टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। अब फ्रेंड्स, कस्टम ड्यूटीज़ क्या होता है? कस्टम ड्यूटीज़ हम उसे कहते हैं कि मतलब कि एक कंट्री और दूसरी कंट्री एक दूसरे से जब ट्रेड करती है तो ट्रेड करते टाइम एक दूसरे के बॉर्डर पर उसे कुछ ड्यूटीज़ चुकानी पड़ती है, कुछ टैक्स देने पड़ते हैं, उसे ही हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, और पहली बार जो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि आपने नहीं होगा, हमारे पेरेंट्स देते रहते हैं, वो भी जो है इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब कि ब्रिटेन ने अपने वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए इंडिया पे फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया था। उसके बाद जो है चीज़ों के, मतलब कि सामान के, गुड्स के दाम जो है वो जस्ट डबल हो गए थे जब भी ब्रिटेन का वॉर चल रहा था पूरे उस टाइम पीरियड के लिए, मतलब कि 1913 से 1918 तक, जिसके वजह से हमारे इंडियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। ठीक है, हमारे इंडियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल हो गई, मतलब कि बहुत कठिन हो गई। ठीक है, प्लस इसने अपने सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए, इंडिया के विलेजेस में से फोर्स रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया, मतलब कि ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करना स्टार्ट किया, जो कि इंडिया के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसके बाद 1918 से 1921 तक जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन का नुकसान हुआ,
था, क्रॉप फेलियर हो गए थे किसी ना किसी डिसीजेस के वजह से, या कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम थी, फेमाइन आ रहा था, ड्रॉट आ रहा था, सूखा पड़ रहा था, महामारी फैल रही थी जिसकी वजह से लोग खेतों पर अपने ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि फूड की कमी हो गई। इसके इन सब चीज़ों के साथ ही जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, और अब लोगों ने, हम इंडियंस ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम ब्रिटिशर्स की मनमानी नहीं सहेंगे, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और तब हमारे मसीहा बन के आए कोई और नहीं बल्कि मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है जनवरी 1915 में इंडिया आए, और उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में अपने बैरिस्टर की, लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब वो साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने, उनके दिमाग में पहली बार क्लिक किया ऐसा सत्याग्रह टाइप का मूवमेंट। सत्याग्रह जो है वो दो वर्ड से बना है, अगर आप हिंदी में इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये सत्य प्लस आग्रह, ये दो वर्ड से बना है, और इसका मीनिंग होता है सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है, तो गांधी जी ने यही काम किया साउथ अफ्रीका में, उन्होंने सत्य के लिए आग्रह किया। और कैसे आग्रह किया, जितने भी जो कम्युनिटीज़ थी जो सफ़र करती थी साउथ अफ्रीका में, जो दूसरे देशों से लेकर आई गई थी काम करवाने के लिए वहाँ पे, मतलब जिसको कि ब्लैक पीपल बोला जाता था, जो मेनली बिलोंग करती थी ये साउथ एशिया के रीजन को, जैसे कि इंडिया चाइना हो गया, प्लस अफ्रीका का रीजन हो गया, इनके लोगों को वाइट पीपल मतलब कि जो गोरे लोग थे, साउथ अफ्रीका भी एक कॉलोनी थी तो गोरे लोग ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे, उनका बहुत ही ज़्यादा उत्पीड़न होता था ब्लैक पीपल पे। तो उन ब्लैक पीपल को उनका हक दिलाने के लिए, उनकी राइट्स दिलाने के लिए, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में पहली बार ये सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। और टू द मतलब सरप्राइज कह सकते हैं, जो कि शायद गांधी जी को भी उस वक्त नहीं पता होगा कि इतना अच्छा कुछ हो जाएगा, ये पूरा सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के फेवर में गया। और फाइनली जो है वो सत्याग्रह जो उस वक्त गांधी जी ने किया वो एक सक्सेसफुल सत्याग्रह रहा। ठीक है, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक वॉकरस्ट नाम के शहर में 6 नवंबर 1913 को ये सत्याग्रह का मूवमेंट हुआ था, और इसमें जो है इंडियंस की राइट को मानने के लिए ब्रिटिशर्स मजबूर हो गए थे। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि फिर जो है हमने पढ़ा जैसा कि महात्मा गांधी जो है वो इंडिया आ गए फाइनली जनवरी 1915 में, अपनी बैरिस्टर की मतलब कि अपने लॉयर की जो है वो पढ़ाई कंप्लीट करके। उसके बाद जब वो है इंडिया में जब आए, तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना, जब ये सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट हो ही गया है तो इसे हम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर लें, क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं इंडिया में इम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल इसी तरह गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का मूवमेंट इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो गांधी जी ने जब सत्याग्रह के मूवमेंट को इंडिया में वो लेकर आए, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ। तभी जो है ऑलरेडी जो है गांधी जी के बारे में इंडिया के लोगों को थोड़ा बहुत पता चलने लगा था कि हाँ ये एक पर्सन है जो कि आया है बाहर से, जो हमारे बीच में से ही है और ये हमारी हेल्प करने के लिए आया है। तो लोगों ने उनको कहा कि चलो ठीक है भाई, बुला के देख लेते हैं गांधी जी को, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो फाइनली जो है महात्मा गांधी को 1916 में एक सत्याग्रह करवाने के लिए चंपारण, जो कि एक बिहार में प्लेस है, वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे जो छोटे मोटे बेचारे टेनेंट्स, पीसेंट, लेबर्स थे, गरीब लोग थे, उन्हें जबरदस्ती ब्रिटिशर्स द्वारा प्लांटेशंस में काम करवाया जाता था। और जब प्लांटेशन में काम करवाया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था, तो उनकी कोई भी डिमांड के बारे में नहीं सुना जाता था, उन्हें बहुत ही ऑप्रेस किया जाता था। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इंडियंस ने गांधी जी को पुकार लगाया, वहाँ के चंपारण के वर्कर्स ने गांधी जी को बुलाया और कहा कि प्लीज़ आप जो है हमारी हेल्प कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो गांधी जी ने फिर से अपना वही सत्याग्रह का मूवमेंट स्टार्ट किया, धरना वरना दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और जब ब्रिटिशर्स को लगा कि उनका काम ठप पड़ रहा है, सारे वर्कर्स तो धरने पर बैठ गए, तो उन्होंने उनकी वर्कर्स की थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें मान ली। तो इस तरीके से ये सत्याग्रह का मूवमेंट जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया। अब तो भाई इंडियंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर जो है 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये गुजरात में है, वहाँ पे बुलाया गया गांधी जी को फिर से। वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ के लोगों
या क्रॉप फेलियर हो गया था, एक प्लेग नाम का एपिडेमिक फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी जिसके वजह से पीसेंट मर रहे थे, उनकी पैदावार ख़त्म हो चुकी थी, उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। और वो अपना लगान जो है, रेवेन्यू जो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, वो पे नहीं कर पा रहे थे ब्रिटिश हुकूमत को, तो इसलिए जो है उन पर फिर भी जो है बहुत ऑपरेशन कर रही थी ब्रिटिश सरकार। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया, फिर गांधी जी ने वहाँ पे धरना स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया, और कहा, अपील की ब्रिटिशर्स से कि प्लीज़ आप जो है हमारी बातों को मानिए। तो ब्रिटिशर्स ने जब देखा कि फिर से उनका काम ठप पड़ रहा है, लोग जो एक मास मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो उन्होंने उस मास मूवमेंट को रोकने के लिए उनकी बातें मान ली। नेक्स्ट जो है 1918 में मोमेंट हुआ सत्याग्रह का, एक और अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या था, अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ी सी कॉटन मिल थी, ठीक है, वहाँ के लोग जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे उस कॉटन मिल में, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उनका बहुत ही इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो इन लोगों ने भी अपील किया, सेम अगेन चंपारण और खेड़ा की तरह, गांधी जी से कि आप प्लीज़ आइए हमारी हेल्प कीजिए। फिर से वो धरना वरना स्टार्ट हुआ और फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, धरना हो जाएगा तो काम रुक जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा फैक्ट्री में, तो इन लोग की बातों को मान लिया गया। इस तरीके से गांधी जी के इंडिया में कदम रखा, कब उन्होंने कदम रखा हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि लिखा है गांधी जी ने जनवरी 1915 में इंडिया में कदम रखा, और उसके एक साल के अंदर ही 1916 में चंपारण का सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ, फिर 1917 में खेड़ा का सत्याग्रह, और 1918 में अहमदाबाद बाद का सत्याग्रह, ये तीनों सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। फ्रेंड्स, ये तीनों सत्याग्रह, उसका रीज़न और उसके डेट्स को आप याद कर लीजिएगा अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, अब चाहे वो शॉर्ट आंसर में आए, लॉन्ग आंसर में आए, या फिर मैप क्वेश्चन बना के आए, ठीक है। और बाकी लोग जो कि बाकी बड़े एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस रीज़न को, ईयर को और प्लेसेस को याद रखें, क्योंकि ये रिपीटिव क्वेश्चन हैं जो कि पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब देखते हुए जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि उनके खिलाफ़ ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ये सारी बगावत चल रही है, तो क्या भला चुप बैठने वाले थे? नहीं, उन्होंने गांधी जी के इन सारे कामों के अगेंस्ट 1919 में रॉयल एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया। अब ये रॉयल एक्ट क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ब्रिटिश इम्पीरियल काउंसिल के द्वारा, ठीक है, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स की उस वक्त सरकार थी, उन्होंने ही इस रॉयल एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। और इसमें क्या करना था, सॉरी, इसकी दो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम तो रॉयल एक्ट की ये थी कि इसके अंडर किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, मतलब किसी भी आदमी को सिर्फ शक के बिना पे अरेस्ट किया जा सकता था, और उसे 2 साल के लिए जेल में रखा जा सकता था बिना उस पर कोई कोर्ट केस चले, बिना उस पर कोई ट्रायल हुए, बिना उस पर कार्रवाई की, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरी सेकेंड थिंग रॉयल एक्ट की ये सबसे बड़ी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडियंस के लिए, जो ये थी कि रॉयल एक्ट के अंदर कभी भी देश में जो है वो मार्शल लॉ लागू हो सकता था, मार्शल लॉ। अब ये क्या होता है, इसके अंतर्गत ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी कहीं पे भी लगता है गवर्नमेंट को कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ़ कुछ कर सकते हैं, तो तुरंत ये जो है उस प्लेस का रूल जो है, उस प्लेस का कंट्रोल जो है, पुलिस से आर्मी को शिफ्ट हो जाता है। और जब आर्मी को शिफ्ट हो जाता है तो आर्मी के पास पूरा कंट्रोल होता है कि वो पीपल के खिलाफ कोई भी एक्शन ले सके, उन्हें अरेस्ट कर सके, उन्हें ऑन द साइड शूट कर सके, ठीक है। तो ये दो रॉयल एक्ट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और जो कि हम इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। तो इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है एक एग्जांपल के तौर पे ट्राई किया, और वो उन्होंने हड़ताल किया 6 अप्रैल को, ठीक है, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई जहाँ जहाँ शहरों में, वर्कर्स सारे स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे लाइन बंद हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, ठीक है। अब
ब्रिटिश सरकार को लगा ये क्या हो रहा है, हम इंडियंस की इतनी हिम्मत की है हमारे खिलाफ, ऐसा कुछ कर रहे हैं, एक्शन लेने की सोच रहे हैं। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और उन्होंने क्या एक्शन लिया, फाइनली जो है उन्होंने 10 अप्रैल को एक पीसफुल प्रोसेशन जो कि हो रहा था, शांति से धरना वरना हो रहा था, उस पर अटैक कर दिया। ठीक है, उसपे अटैक कर दिया, लोगों को, बेचारे मासूम लोगों को अरेस्ट कर लिया और अमृतसर में खुलेआम फायरिंग करवा दी गई। ठीक है, और फाइनली जो है अमृतसर में 10 अप्रैल के दिन मार्शल लॉ वो इम्पोस्ट हो गया था बाय जनरल डायर। इतने से ही ब्रिटिशर्स का मन नहीं माना कि 13 अप्रैल के दिन उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग नाम के एक प्लेस पे जहाँ पे उस दिन बैसाखी का मेला चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोग थे वो नॉर्मली अपनी बातें वगैरह करने आए थे, कुछ लोग जो है बैसाखी का मेला देखने आए थे आसपास के गांव से, उन्हें नहीं पता था उन बेचारों को कि ये रॉलाइट एक्ट क्या होता है, ये मार्शल लॉ लग चुका है अमृतसर में। तो वो बेचारे अपना आराम से मेला इंजॉय कर रहे थे जलियांवाला बाग में, पर ये देखा नहीं गया जनरल डायर से, और उन्होंने उस दरवाजे उस बाग के सारे दरवाजे बंद करवा दिए, सारे गेट्स बनवा दिए, और एक गेट जो खुला था वहाँ पे खुद जो है खड़े होकर उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायी घटना थी हमारे इंडियन हिस्ट्री में, आज भी इस दिन को याद करते हुए लोगों की रूह कांप जाती है, ऐसा ब्लैक डे बोला जाता है। और फाइनली जो है ये हुआ किस दिन था, 13 अप्रैल 1919 को, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है। ठीक है, और उन्होंने एक रीज़न क्या दिया, बहुत ही बेतुकाना रीज़न दिया कि मैं तो बस डर क्रिएट कर रहा था लोगों पे, पर फिर ये देख के हम इंडियंस का भी दिल जो है वो घरों में बैठने को नहीं माना, सब जो है अपने अपने घरों से निकल गए, उन्होंने फिर से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, पर फिर से ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही ज़्यादा क्रूएल ऑपरेशन अपनाया, आर्मी जो भी वॉक कर रहे थे उन सबको बहुत ही बुरी तरीके से डंडे और हंटर जो भी मिला उससे मारा गया, उन्हें ज़मीन पे क्रॉल करने को बोला गया, मतलब कि घुटनों के बल चलने को बोला गया, नाक नगड़ने को बोला गया, यहाँ तक कि जब भी वो किसी भी ब्रिटिशर्स को देखे, सिपाही को देखे, तुरंत वो सलाम बोले, ऐसा करने को ऑर्डर्स दिए गए। और प्लस एक गुर्जरांवाला नाम का प्लेस जो कि पंजाब में है इस वक्त, वहाँ पे यहाँ तक कि उसको बॉम्ब कर दिया। ठीक है, फाइनली गांधी जी को लगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये टोटली अगेंस्ट जा रहा है, और गांधी जी ने उसी वक्त अपने सारे सत्याग्रह के मोमेंट्स को, अपना जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मोमेंट जो भी उन्होंने स्टार्ट किया था, सब जो है उन्होंने वहीं पर उसी वक्त बंद करने का सोच लिया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक का था कि रोलैक्ट एक्ट ने क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट किए इंडियंस के लिए। ठीक है, तो फिर गांधी जी ने बैठ के एक दिन पूरा सोचा वोचा समीक्षा की कि आखिर जो है हमारा ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये फेल कहाँ हुआ। तो उन्हें लगा कि अभी भी जो है हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि हिंदू मुस्लिम अपने घरों से बराबर की संख्या में निकल के आए, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मुस्लिम्स को भी बात करें उनसे कि आखिर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो बताएं, और उन्हें प्रॉपरली जो है प्रॉपर संख्या में जो है स्ट्रीट्स पे लाया जाए, ताकि वो भी अपने हिंदू भाई बहनों के साथ अपने देश, अपने कंट्री भारत के लिए फ्रीडम की मांग कर सकें। ठीक है, तो गांधी जी ने बोला कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो मुस्लिमों से मतलब कि उनको मिलाने के लिए ज़रूरी था कि जो भी उनकी एक पार्टी थी, जो कि भी उनका लीडर था, उनको एड्रेस किया जाए। तो उस वक्त मुस्लिम्स की जो पार्टी थी इंडिया में बनी हुई थी उसका नाम था मुस्लिम लीग, और उसके लीडर जो थे वो थे द अली ब्रदर्स, जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली।
ठीक है, तो ये गए उनसे बात किए, गांधी जी ने उन अली ब्रदर्स से बात की, तो इन्हें पता चला कि ये जो मुस्लिम लीग है वो एक बात से बहुत ही ज़्यादा इस वक्त खफा है। वो खफा वाली बात क्या थी? वो बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने जब, जो भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब वर्ल्ड वॉर किया था तो उसमें वो जीत गए थे और उन्होंने सेंट्रल पावर मतलब कि दूसरी वाली पार्टी को हरा दिया था, और दूसरी वाली पार्टी में एक कंट्री थी जिसका नाम था टर्की। तो टर्की को ऑटोमन टर्की बोला जाता था उस वक्त, और उसके जो राजा थे वो खलीफा बोले जाते थे, और वो मुस्लिमों के एक रिलीजियस लीडर माने जाते थे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम थे वो उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। पर जब ब्रिटिशर्स जो टर्की के ऊपर कब्ज़ा पा लिया उन्होंने, तो उन्होंने सारा राजपाट जो है खलीफा का वो छीन लिया, उन्हें जो है उसकी गद्दी से बाहर निकाल दिया, उसके महल से बाहर निकाल दिया। ये चीज़ जो है बहुत ही डिसग्रेसफुल लगी सारे मुस्लिम्स को, पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक लगी, और इसके खिलाफ़ वो कुछ करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके खिलाफ़ जो है हर जगह लोग अपना अपना एक कमेटी बना रहे थे ताकि वो इस बात को के लिए अपील कर सकें और मतलब अपने खलीफा को उसका सब कुछ वापस दिला सकें। तो उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी कमेटी फॉर्म हुई थी मुस्लिम्स की, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ठीक है, और ये फॉर्म हुई थी बॉम्बे में इन मार्च 1919। माई डियर स्टूडेंट्स, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की, ये डेट्स जो हैं बहुत ही कॉमन है, सबको पता होगा हिस्ट्री का एसेंस ही होता है डेट्स, बिना डेट्स के तो हिस्ट्री चल नहीं सकती है। तो आप मतलब अपनी सुविधा के लिए चाहिए तो एक पेपर में लिख लीजिए और एक दो बार ही उसको रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपको रट जाएगा। ठीक है, और आप फर्दर मतलब एग्ज़ाम टाइम में एक बार फिर से उस पेज को खोल के देख लीजिए, तो वो चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी और आप उसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी, और फाइनली जो है गांधी जी जब गए उन्होंने बात की अली ब्रदर्स से, उन्होंने कहा कि आप जो ये खिलाफत कमेटी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को साथ में मिला दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ आ जाएंगे। पर कांग्रेस के कुछ लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ लीडर को ये बात थोड़ी अजीब लगी कि मुस्लिम्स और इंडियंस में बहुत, और हिंदूज में मतलब इंडियंस नहीं, इंडियन तो दोनों ही थे, मुस्लिम्स और हिंदूज में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, क्या ये पैक्ट करना, ये संधि करना दोनों के बीच में कोई फ़ायदेमंद होगा हमारे मूवमेंट के लिए, इंडिया के मास्टर मूवमेंट के लिए? फिर भी जो है उन्होंने गांधी जी के कहने में फाइनली कलकत्ता सेशन में जो है इस बात की मंजूरी दे दी सितंबर 1920 में। मतलब कि सेशन क्या मतलब होता है, कि मतलब कि कांग्रेस की टाइम टू टाइम मीटिंग होती थी जिसमें इम्पोर्टेंट लीडर्स सारे गैदर करते थे, वो चर्चा करते थे कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, और एक बात को जो भी होता था मतलब कोई डिसीजन लेना पड़ता था उसके लिए एग्री करते थे। तो फाइनली कलकत्ता सेशन में इस बात को एग्री कर लिया गया कि ठीक है, आज के दिन से सितंबर 1920 से जो है खिलाफत कमेटी और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी जो है साथ में मिलके काम करेगी। तो खिलाफत कमेटी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है एक साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और अभी थोड़ा और टॉपिक पढ़ा हुआ है ये चैप्टर में, थोड़ी सी बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे बिना पढ़े छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो हम उसे कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हमारे। तो आप बिल्कुल भी मतलब उदास मत होइएगा, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आप हमें बताइएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आएंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी मत शर्माइएगा, आपको कोई भी डाउट है तो उसे भी हिचक पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हैं कि नहीं, तो हम जल्द से जल्द इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे आपकी कन्वीनियंस के लिए। सो ऑल द फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल द स्टडी जर्नी। प्लीज़ 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 प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर अपडेट्स, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, जैसा कि हम पूरे वीडियो में आपको बताते आए हैं, आप उसको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।